ज़हीन और पुरजोश लड़का था जो बचपन से ही बड़े इनकलाबी ज़हन और बेने खौफ रिया से बिल्कुल वो पाक साफ था। इसलिए कि वो ज़िंदा ज़मीर है, उनका ईमान भी ज़िंदा है और उनका ज़मीर भी ज़िंदा है। वो ज़िंदा ज़मीर लड़के हैं, जिस तरह है। इसको दूर से ये किसी कश्मीरी को आर्मी के हाथों या नीम फौजी दस्तों के हाथों से कोई जुल्म होते हुए देखता था तो इसके खून के आंसू यानी आँखों में खून उतर आता था। हमारे को घरों को दस्तखत दे दिया इन्होंने 1:30 बजे रात। फिर हम जाग गए, निकल गए बाहर। जब हमने कुंडी खोली दरवाजे की तो फौज आ गया, वो हो गया घरों में, क्योंकि उन्होंने ये बोलते थे ना उनको पुकारो, हमें क्या पता था किस मकान में क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, मेरे पास खाली एक कपड़ा पहन के निकाला और इन लोग को मैंने बोला था कि आप लोग मेरे साथ आए, वहाँ पर कोई नहीं है, तो लेकिन इन्होंने माना नहीं। आप खुद ही देख सकते हो कि पूरा ये पापा का मशीन था वो भी पूरा तबाह हो गया। काम हम करते थे वो तो खत्म हो गया, यहाँ तो हमें बाकी जो सामान था, जो काम का सामान था वो भी खत्म हो गया। हम भी अब बेकार भी हो गया। तो हम आगे आगे थे, वो पीछे पीछे थे। हम पुकारते थे उनको, वो बाहर निकलते थे ऐसे ही। हमें बोलो हम क्या करेंगे इसमें, पहले से जो ये लॉकडाउन रखा हमें, एक साल हो गया लॉकडाउन में, उस वक्त दर बदर है, आज भी लॉकडाउन है और इस पर कदा नहीं आ गया, कर हो गया। ये मतलब मैंने गिना है, ये 21 मकान है, 21 मकान है ये। क्यों हमारे लोगों को सताया जा रहा है, क्यों इनको मारा जा रहा है, हमारी माओं बहनों की इस्मतें क्यों लूटी जा रही हैं, इनके की खता क्या है। ये उसका ज़मीर इतना ज़िंदा था कि वो ये बुराइयां और ये जुल्म ज़्यादती वो बर्दाश्त नहीं करता था। ज़िंदा ज़मीर और बा ईमान बाप अपने बेटे को ज़ुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ अपनी सलाहियतें बरोयकार लाने के सिलसिले में और ज़ालिमों के ख़िलाफ़ जदोजहद करने से उनको बाज नहीं रख सकता है कोई, अपने बच्चों को जो ज़ुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ आव। इसलिए अगर ज़ुबान में से भी ना कह सको, दिल में ही उस जुल्म ज़्यादती और बदियों के ख़िलाफ़ नफ़रत रखो, लेकिन ये सबसे कमज़ोर दर्जा है। तो हमारे बेटे ने पहला दर्जा भी यदि ही उसने हाथ से इस बदी और इस जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ अपना जहादी अमल शुरू किया, उसने रास्ता खुद चुन लिया। अलबत्त मैंने नहीं कहा उसको, ऐसे दिल की ज़रूरत होती है जो दिल इस राह में पेश आने वाली मुश्किलात का भी अंदाज़ा रखता हो और उन मुश्किलात को बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार हो।
अगर मेरा बेटा उन मुश्किलात को तैयार बर्दाश्त करने के लिए तैयार ना होता और मैं उसको हुक्मन कहता कि नहीं ये करना है, वो कामयाब नहीं हो जाता। उसने अपने दिल से और अपने जहन से पूरी तरह काम लेकर खुद ही यह रास्ता चुन लिया, तो मैं उस रास्ते पर जाने से उसको कैसे रोक सकता था। पेट बुजन दुहन अल्ला तला कस अगर दुह कहीं खेमुत वाद पे दमा कह दिन डेर कुछ जाए गेर कुछ जाए गमरे कहें बनान वाद पे अके कौचान बेचि ग ना दुस खेमत क्या आज कम दह इनकाउंटर ना दुस खुद पे खेमुत क्या तो ना कर्मुत क्या बिल्कुल ना कहीं और जब वो मुसलमान हो उसके साथ तो ज़्यादा ही उसकी लाश को के साथ भी खिलवाड़ करना अपना बहुत बड़ा बहादुराना कारनामा समझते हैं। हालांकि बड़ी बदतरीन बुजदिली है कि इन लोगों ने ना हमें उसकी मैयत सौंप दी और न उसका चेहरा देखने की इजाज़त दी, न उसके किसी जनाजे का अहतमाम करने का मौका दिया। वहाँ उसकी मैयत को सामने रख कर आगे रख कर जनाजा पढ़ने का कोई मौका नहीं दिया। ये इनका मकरू चेहरा, ये इनकी बुजदिली है। ये हिंदुस्तान का सेकुलरवाद वगैरह जो ड्रामा यानी ये इसने रचाया था कांग्रेस ने गुज़श्ता 50-60 साल में कि ये सेकुलर हिंदुस्तान होगा, ये सेकुलर वगैरह नहीं है, ये शुद्ध सीधी तरह हिंदू स्टेट है।